हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल की पूरी, परवल आलू की सब्जी और खीर। ये आद्रा नक्षत्र में ये रेसिपी बनाई जाती है, हमारे बिहार में ये फेमस है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है, बट रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो लाइक करना ना भूलें। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी रियल लाइफ। दाल वाली पूरी बनाने के लिए मैं दाल ले ली हूँ, मैं इसको डाल दूँगी और इसे अच्छे से वाश कर लूँगी। चने की दाल को अच्छे से वाश कर लिए हैं, अब इसमें डालेंगे हम पानी डाल दिए हैं हम। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, उसके बाद इसको मिला लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस को कर दिए ऑन, इस पर रखेंगे दाल। दाल को ढक देंगे और इसे पकने तक हमें गैस पे रखना है। इसको ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे और इसे पकाएंगे दाल को। ये देखिए फ्रेंड्स, चना का दाल हमारा पक गया है। अब इसको चेक कर लेते हैं, पक गया है। इसको कर देंगे गैस को ऑफ। अब एक छन्नी ले लेंगे, छन्नी में इसको छान लेंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम। जब तक ठंडा हो रही है तब तक हम खीर की तैयारी कर लेते हैं। खीर बनाने के लिए गैस पर रखे हैं दूध, ये आधा लीटर दूध है। इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, आधा कप मैं चावल धो ली हूँ, चावल भी इसमें डाल लेंगे। उसके बाद इसको मिला देंगे। और ऐसे ही इसे पकने देंगे। खीर बन रहा है, जब तक हम सब्जी भी बना लेते हैं एक साइड। सब्जी बनाने के लिए गैस पर रखे हैं कढ़ाई। मैं आलू परवल और सब्जी बना रही हूँ, आलू दम पूरी के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ चूल्हे पे। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाली हूँ, ये सरसों का तेल है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे हम परवल। परवल को 4-4 टुकड़ा करके रखे हैं, इसे अच्छे से छील के वाश कर लिए हैं। अब इसको ऐसे परवल को सेलो फ्राई करेंगे। गैस को रखेंगे मीडियम टू हाई। ये देखिए फ्रेंड्स, परवल अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी में डालेंगे, इसी कढ़ाई में तेजपत्ता, दालचीनी, बड़ी लौंग और बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा, इसे चटकने देंगे। जब ये सब भून जाएगा इसमें हम 2 मीडियम साइज का प्याज काट लिए हैं, इसे डाल देंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हमें भूनना है। गैस पर रखेंगे मीडियम। खीर भी 80% पक गया है, ये देखिए। अगर आपको पानी बाद में कम लगे तो आप पानी, गर्म पानी ऐड कर सकते हैं या फिर दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये मैं काजू, बादाम, किशमिश और एक तेज़पत्ता और एक छोटी इलायची को ले ली हूँ मैं। इसी में डाल देंगे सबको। आप अपने मन चाहा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको हम मिला देंगे और इसे 5 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से पक जाए। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाएगा इसी में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी मिला के प्याज के साथ ही भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, खीर पक गई है अच्छे से। ये देखिए, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, गैस को करेंगे ऑफ। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। अब चीनी अपने हिसाब से, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें, कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम ही डालें। हम चीनी डाल देंगे, याद रहे गैस ऑफ करके ही चीनी डालना है,
पहले चीनी डालने से क्या होता है, कभी कभी दूध फट जाती है, इसलिए हम गैस ऑफ करके ही चीनी डालेंगे। ये देखिए खीर कितनी अच्छी बनी हुई है। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे, ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इसे ढक के हम छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाला। मसाला में मैं ले ली हूँ लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। काली मिर्च और जीरा का पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सब मसालों को इसी में मैं डाल दूँगी। इसी में थोड़ा सा ऐड कर देंगे पानी। उसके बाद इसको मसाला को अच्छे से मिला देंगे और मसाला को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकाना है, जब तक ऑयल अलग ना होने लगे मसाला से, तब तक मसाला को हम पकाएंगे, भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से भून गया है। इसी में डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च। मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें डाल देंगे हम परवल जो फ्राई करके रखे थे वो, और मैं 4 मीडियम साइज आलू को बॉयल कर ली थी, इसे तोड़ ली हूँ बॉयल करके, इसको भी इसी में डाल देंगे। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिला देंगे हम। गैस को मीडियम करके इसे भी 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे। मसाला भी भून गया है, अब इसमें हम डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया। इसी में ऐड कर देंगे हम पानी। मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी यूज कर रही हूँ। अब इसको भी मिला देंगे हम। देखिए सब्ज़ी कितनी अभी कितनी अच्छी लग रही है। इसको अच्छे से मिला दिए हैं, अब इसे ढक के 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही गैस पे छोड़ देना है। गैस को रखेंगे मीडियम। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक हम आटा लगा लेते हैं पूरी के लिए। मैं यहाँ पे 2 कप आटा ले ली हूँ। इसको एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि आटा गीली ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आटा को लगा ली हूँ। अब इसको रख देंगे साइड में रेस्ट करने के लिए। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, जो चना का दाल को बॉईल किए थे उस मिक्सी जार में इसको डाल देंगे और इसको हम पीस के तैयार करेंगे। इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है। देखिए इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। ये देखिए कैसे है, हम ऐसे ही रखेंगे इसको, ज़्यादा में नहीं पीसना है। अब इसको निकाल लेते हैं, दूसरे बॉल पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए हमें ऐसे ही रखना है दरदरा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अब इसको रख देंगे साइड में। सब्जी को भी देख लेते हैं, सब्जी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गई है। गैस को कर देंगे ऑफ, साइड में रख देंगे सब्जी को और पूरी बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम पूरी बनाने के लिए गैस पर रखें एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे हम जीरा। जीरा को पहले हल्का भून लेते हैं, जीरा को चटकने तक भूनेंगे। जीरा चटक गया है, भून गया है। अब इस गैस को कर देंगे ऑफ, इसे ठंडा होने देते हैं। गैस ऑफ करने के बाद भी लगातार इसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो जीरा जल जाएगी। जीरा को दरदरा कूट लेते हैं। अब अभी ज़्यादा जीरा भुने हैं तो अब मिक्सी में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। जीरा को दरदरा कूट लिए हैं। अभी जो चना का दाल पीस के रखे थे हम उसी में इसको डाल देंगे। अब इसको इसी में मिला देंगे हम। इसको अच्छे से मिला दिए हैं। अब चलते हैं पूरी बनाने के लिए। पूरी बनाने के लिए आटा का छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे हम। छोटा छोटा ऐसे ही इस शेप में हम पेड़ा बना लेंगे सबको। ऐसे ही सब बना के तैयार कर लेते हैं। सारे लोई बना ली हूँ। अब मैं इसे जो चना का दाल का सत्तू बना के रखी थी उसे मैं भरूंगी। तो उसे भरने के लिए एक कटोरी सिर्फ देंगे आटा के जो पेड़ा बनाया है उसको। उसके बाद
इसमें हम ये चना का जो बनाए थे सत्तू वो भरेंगे। इसमें आप एक एक ही चम्मच भरेंगे तो अच्छा बन जाएगा ये। उसके बाद ऐसे दबा देंगे, उसके बाद इसका मुंह बंद करेंगे हम। तो ऐसे इसको हाथ के हेल्प से ऐसे करेंगे इसको। जो ये निकल गया है उसको इसी में हम दबा देंगे। ऐसे ही मैं भर के सब तैयार कर लेती हूँ। मैं सारे पूरी बना के तैयार कर ली हूँ भर के। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रख दिए हैं एक तवा, तवा को गर्म होने देंगे। जब तक तवा गर्म हो रहा है एक लोई ले लेंगे। अब इसको हल्का हाथ से ऐसे बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही रखना है हमें। तवा गर्म हो गया है, अब जो बेले हैं उसको इसी पर रख देंगे पूरी को। इसको हम सेकेंगे, ज़्यादा हमें नहीं सेकना है, हल्का हल्का सेकना है। गैस को रखेंगे लो। जैसे ये थोड़ा सा सेक गया नीचे से, अब इसको पलट देंगे। जब तक वो सीख रहा था तब हम दूसरा भी पूरी बना के तैयार कर लेते हैं बेल के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेक गया है, हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से सेकना है। अब इसको अलग रख देंगे, सबको ऐसे ही सेक लेंगे। एक तो हम सेक के भी बना सकते हैं पूरी को, एक बिना सेके हुए ऐसे ही बेल के कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। होता क्या है कि जब सेक के बनाएंगे तो ऑयल थोड़ा कम लगेगा। हम ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे ही तलेंगे पूरी को तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही हमने सेक के तैयार कर लेती हूँ सारी पूरी को। तेल में फ्राई नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा ऑयली पसंद नहीं करते हैं, तो आप एक और प्रोसेस कर सकते हैं, इसको हम तवा पर भी बना सकते हैं। तवा पर बनाने के लिए मैं तवा पर ऐसे रख देंगे और इसे एक बार चेक कर लेंगे। जब ये हल्का सा सीख जाएगा तब इसको हम पलट देंगे। गैस को रखेंगे मीडियम टू लो, फिर इसे इधर भी पलट के देख लेंगे। जब नीचे से भी आधा सीख जाएगा तो इसमें हम लगा देंगे ऑयल। दोनों साइड और लगाएंगे। और उसको ऐसे ही सेकेंगे। ऐसे ही दोनों साइड से पलट के इसे सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तवा पर भी कितनी अच्छी फूल गई है ये। आप बिना तले हुए तवा पर भी ऐसे बना के खा सकते हैं। ये दो अच्छे से दोनों साइड से सिक गया है। गैस को कर देंगे ऑफ, इसे निकाल लेंगे। पूरी को फ्राई करने के लिए गैस पर रखे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे पूरी को। इसे फ्राई करेंगे, गैस पर रखेंगे हाई टू मीडियम। इसे पलट देंगे, दोनों साइड से इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से पूरी फ्राई हो गई है, अब इसे निकाल लेंगे हम। मैं दूसरा भी पूरी सेक के बताती हूँ आप सबको। ये देखिए, अब इसे पलट देंगे। ऐसे ही मैं सारे पूरी को तल के निकाल लेती हूँ। ये देखिए पूरी तल गई है, इसे भी निकाल लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे पूरी को तल के तैयार कर ली हूँ। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी सब्जी और खीर सर्व कर ली हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। आई होप ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।